कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस वॉर रूम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल, मंत्री शकुंतला रावत, सचिन पायलट, मंत्री ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली है। उसे सफल बनाने और उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां तय करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का वॉर रूम इसके लिए तैयार किया गया है, वहीं पर यह बैठक हो रही है। इस खबर को लेकर बात करेंगे जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, कांग्रेस का वॉर रूम पूरी तरह से अपने ये कहें कि अपने एक्शन में आ चुका है, अपने उस एक्शन मोड में आ चुका है जिसमें राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का कांग्रेस मानस बना रही है। देखिए, बिल्कुल, अगर पूरे रूट लाइन की भी अगर प्रभात बात करें तो जहां से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें कहीं पे भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। ये पहला स्टेट होगा जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, और पहला नहीं, ये मुझे लग रहा है कि पूरी यात्रा का आखिरी भी है, क्योंकि पूरी रूट लाइन में कहीं पे भी कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी को या पार्टी अध्यक्ष को, पार्टी को ये लगे कि राजस्थान में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी है कि स्वागत होगा किस नजर, किस तरह का, क्या, क्यों, खुद ही ने कई चीजें कांग्रेस में इंटरनली इतनी बनाई हुई है, अब उनका क्या होगा। तो तमाम एक सवाल भी इस तरह के खड़े हैं, और पब्लिक की निगाहें भी टिकी हुई है कि राजस्थान में यात्रा किस तरह से निकलेगी, क्योंकि जहां सरकार हो, अभी तक देखिए राहुल गांधी की यात्रा की अगर भीड़ को लेकर के हम बात करें तो भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं रह रही है। राहुल गांधी की यात्रा काफी ठीक यात्रा के रूप में कही जा सकती है, जो उसके साथ, उनके साथ लोग चल रहे हैं, जो कारवा चल रहा है। तो राजस्थान को लेकर के विशेष फोकस करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये विशेष फोकस किस तरह का रहेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। तो उसी को लेकर के चर्चा की जा रही है। केसी वेणुगोपाल खुद आए हैं। वैसे जो जानकारी मिल रही है प्रभात, वो ये है कि केसी वेणुगोपाल या सीनियर लीडर्स या फिर जनरल सेक्रेटरी प्रभारी उस स्टेट में जाके वहां के लीडर्स से बात करते हैं, पूरा रूट प्लान लेते हैं, रूट प्लान के बाद में तैयारियां किस तरह की हैं उन सब चीजों की समीक्षा करते हैं। तो मीटिंग तो उसी लिहाज से है, लेकिन केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इंटरनल डिफरेंसेस कांग्रेस में है उसे कैसे पाटा जा सकता है, और अभी कहीं कोई किसी तरह का कोई लेकुना नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज से बड़ा अगर थोड़ी भी कोई बात होती है तो ये डिस्प्यूट का मैसेज ज्यादा जाएगा, इसे भी पाटने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रभात, योगेंद्र जी, जनाक्रोश यात्रा भी एक तारीख से निकाल रही है, और ये कहा जा रहा है कि हालांकि मना कर रही है बीजेपी कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उसके तोड़ के तौर पर बीजेपी देख रही है जनाक्रोश यात्रा को, तो ये भी एक सामने चुनौती होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक को इंसिडेंट है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दलों में कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसका अपना एक मैसेज होता है, और मैसेज देने के लिए ही किए जाते हैं। सरकार के 4 साल हैं, जब राहुल गांधी राजस्थान में रहेंगे उसी दौरान सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही होगी, तो जश्न तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी के साथ ही कोई सरकार इस तरह के प्रोग्राम कर सकती है, और यात्रा के बाद में बड़े कुछ प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी तरह से बीजेपी 1 से और 10 दिन का जो प्लान बनाया है इन्होंने उसी के तहत किया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों चीजें साथ में चलेंगी, तो बात मैसेज देने की है, क्योंकि यात्रा का एक अपना मैसेज होगा, मीडिया में होगा, तो बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की है कि इसी दौरान अपनी यात्राएं निकाली जाए। अदरवाइज ये 17 से निकाली जा सकती थी, 15 से भी निकाली जा सकती थी, लेकिन वह रूट लाइन नहीं चुन, वो समय नहीं चुन करके ये समय चुना गया है ताकि राहुल गांधी के सामने भी मैसेज जा सके कि सरकार के खिलाफ भाजपा भी अपना जनाक्रोश मना रही है। जी योगी जी, एक आखिरी सवाल, देखिए राजस्थान जो है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने भी बताया कि एकमात्र जहां तक है अब तक ऐसा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस का शासन है और वहां से ये यात्रा गुजर रही है। इससे पहले अगर राजस्थान को देखें, चाहे बाड़ाबंदी को लेकर विश्वास की बात करें, राजस्थान पर केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास होता है कांग्रेस को लेकर, इसके अलावा जयपुर में
राहुल गांधी है उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उदयपुर में इनका सम्मेलन हुआ। मतलब यानी कि जो भी राजनीतिक बड़े घटनाक्रम होते हैं, राजनीतिक बड़े फैसले होते हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो यही, उसकी जो जमीन है, उसकी जो भूमिका है वो राजस्थान में ही कहीं ना कहीं तय की जाती है। ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए अपने विश्वास को मजबूत करने को लेकर एक बहुत बड़ा मौका, इसे कह सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए क्या होता है प्रभात, ये रैली ये यात्रा जो है उस दौरान आ रही है कि जब पायलट और गहलोत की तलखियां बहुत एक ये कहूं कि एक ऐसे स्तर पे हैं जो ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है राजस्थान में। अभी अगर आप देखेंगे कभी भी कोई चर्चा होती है तो उन बयानों की चर्चा ज्यादा होती है जो भारत जोड़ो यात्रा से यात्रा की चर्चा से, तो यानी कि कांग्रेस को भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इंपोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन चर्चाएं मीडिया ज्यादा ले रहा है, मीडिया चर्चाएं को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रही है, तो कांग्रेस के जो नेता है वो करा रहे हैं जब हो रही है चर्चाएं। और इसी नाते ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इन इस तरह की चर्चाओं को ज्यादा तवज्जो ना दी जा सके और यात्रा को जो है वो तवज्जो ज्यादा मिले। लेकिन अभी बात है कि बयानी वीर जो है वो कैसे अपने आप से काबू रख पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल युगन जी, आपने सही कहा कि चुनौतियां सिर्फ सामने वाले विपक्षी दलों से नहीं हैं, खुद अंदरूनी चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक इसी बात को लेकर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे इन सभी चुनौतियों से पार पाई जाए और कैसे इस